अब देश में बदल जाएगा पढ़ाई का सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगा, शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के सिस्टम में भारी बदलाव होगा। तो दोस्तों आज जानेंगे हम लोग न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये न्यू एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसको लगभग 15 ईयर का कोर्स कहा जाता है, जैसे 5+3+3+4। तो दोस्तों प्रथम जो होता है ये 5 ईयर्स का कोर्स होगा। इसमें 5 ईयर्स के कोर्स में प्री स्कूल एजुकेशन और क्लास 1 एंड क्लास 2 की शिक्षा दिया जाएगा। इसमें अधिकतर बच्चों को खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आगे है 3 ईयर्स का कोर्स नेक्स्ट। तो दोस्तों 3 ईयर का कोर्स में आएगा आपका क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5। इसमें हुआ क्या होगा कि जो स्टूडेंट जहाँ के रहने वाले हैं यानी कि स्थानीय शिक्षा उसको दिया जाएगा, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उन्हीं क्षेत्र के भाषा में यानी कि आपको ज्ञान दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे आते हैं, फिर 3 ईयर का कोर्स है। इस 3 ईयर में आएंगे आपका 6 7 8, इसे लगभग मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट का जानकारी हो जाएगी, यानी कि अपने सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे, सब्जेक्ट का उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो दोस्तों आगे आते हैं 4th स्ट्रीम में, इसे सेकेंडरी लेवल कहा जाता है 4th स्ट्रीम। इसमें आएंगे 9 10 11 12, ये लास्ट स्टेज होगा। इसमें स्टूडेंट अपने हिसाब से वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। जैसे आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते ही होंगे, आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स साइंस नहीं पढ़ सकता है या साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट अगर आर्ट्स रखकर भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था न्यू एजुकेशन सिस्टम, यानी कि स्कूल लेवल का, स्कूल कॉलेज लेवल का सिस्टम था। आगे और भी हायर एजुकेशन सिस्टम है, यूजी प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।